एवरीवन, वेलकम टू फ्लेवर्स ऑफ माय फिंगर्स विद मी सांदिनी चानी। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब मेरे साथ कुकिंग सीखने के लिए एकदम रेडी होंगे। तो आज के वीडियो में हम बनाएंगे एकदम हलवाई जैसे गुलाब जामुन। तो चलिए शुरू करते हैं। के लिए हम सबसे पहले आटा गूंद लेंगे, जिसके लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिया है मावा 150 ग्राम। तो अब हम इसे अच्छे से नीड करते जाना है, अच्छे से गूंदते जाना जब तक ये देखिए ऐसा स्मूथ ना हो जाए, इसका सारा दरदरापन निकल ना जाए, सारे इसके जितने भी पार्टिकल्स हैं वो एकदम स्मूथ ना हो जाए। इसके बाद हम इसमें 50 ग्राम पनीर डालेंगे, या उतना पनीर जितना आप 1.5 कप दूध को फाड़ कर निकालेंगे उतना पनीर। अब इसे भी हमें अच्छे से अपने मावा में मिक्स करना है, मतलब अच्छे से हमें इसे मसलते जाना है, एकदम अच्छे से कंबाइन होना चाहिए, देखिए कुछ ऐसे। इसके बाद हम इसमें 3.5 बड़े चम्मच मैदा डालेंगे। तो अभी मैं 2 चम्मच डाल रही हूँ, 1.5 चम्मच मैं बाद में डालूंगी। इसके बाद मैंने इसमें 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर डाला है, बेकिंग सोडा नहीं डालना, बेकिंग पाउडर डालना है। 1 बड़ा चम्मच दूध डालेंगे और इसे अच्छे से हम वापस मिला लेंगे। इसके बाद हम बचा हुआ मैदा डाल लेंगे और अच्छे से इसका आटा गूंद लेंगे। अब हम इसमें 1/2 चम्मच घी डालकर अच्छे से चारों तरफ फैला लेंगे। ये हमारा आटा रेडी है। अब हमने इसमें से 1 लोई अलग कर ली है और इसमें हम ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। जो ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद हो वो एकदम बारीक काट कर डाल दें, और थोड़ा सा मैंने येलो फूड कलर डाला है। कोई भी ड्राई फ्रूट्स यूज़ कर सकते हैं, बट कंडीशन एक ही, एकदम बारीक कटे हुए होने चाहिए। अब हम इसे अच्छे से एक प्लेट पर पहले घी से ग्रीस कर लेंगे और उसके बाद हम अपने गुलाब जामुन बनाना शुरू करेंगे। तो ये देखिए, ये मैंने एक छोटी सी लोई ली है, इसे अच्छे से पहले फ्लैट कर लेंगे और बीच में ये येलो वाला जो हमने मिक्सचर बनाया था और ड्राई फ्रूट्स वाला वो अंदर कर देंगे। तो हमारे इससे क्या होगा, अंदर से हमारे जो सेंटर में ड्राई फ्रूट्स होंगे, और अगर हम इस तरीके से ड्राई फ्रूट्स को डालकर भरेंगे तो हमारे जो हमारा गुलाब जामुन है वो फटेगा भी नहीं, नहीं तो कई बार ये फट भी जाता है ड्राई फ्रूट्स स्टफ करने के चक्कर में। ये देखिए, ये हमारे सारे गुलाब जामुन रेडी हैं। अब पहले हम चाशनी बना लेंगे, जिसके लिए मैंने 1 कप चीनी में 3/4 कप पानी डाला है। अब हमें इसे एकदम लो फ्लेम पर तब तक ही पकाना है जब तक हमारी चीनी ना मेल्ट हो जाए। इसमें हमने केसर और इलायची और थोड़ा सा येलो फूड कलर भी डाला है, एकदम लो फ्लेम पर जब तक चीनी ना मेल्ट हो जाए, तो आपकी एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी की चाशनी बन जाएगी। अब यहाँ पे हमने कढ़ाई में तेल लिया है गुलाब जामुन फ्राई करने के लिए। इसमें मैं 1 चम्मच घी डाल दूँगी। तो तेल में अगर आप पूरे घी में फ्राई करना चाहें तो पूरे घी में फ्राई करें, वरना अगर आप तेल में थोड़ा सा घी डाल देंगे तो थोड़ा सा फ्लेवर जो है वो गुलाब जामुन में ऐसा ही लगेगा जैसे घी में ही फ्राई करें हैं। अब हमें इसे लो फ्लेम पर ही फ्राई करना है, लो टू मीडियम फ्लेम पर, और कंटिन्यूसली हमें 1 मिनट भी रुकना नहीं है, चम्मच की हेल्प से मिक्स करते जाना है, हिलाते जाना है। गुलाब जामुनों पे आप प्रेशर मत डालें, आप ऑयल को थोड़ा मूव करें तो गुलाब जामुन भी मूव होंगे। अगर आपने स्टार्टिंग में ही गुलाब जामुन पे अपना चम्मच या करछी रख दी तो वो फट जाएगा। वैसे ही हमें कंटिन्यूसली चलाना है, नहीं तो वो कहीं से डार्क कहीं से लाइट रह जाता है। 1 मिनट भी रुकना नहीं है। तो इसे फ्राई करने में करीबन 6 से 7 मिनट लगते हैं, बाकी आपके पर डिपेंड करता है। आप जिस कलर तक चाहें उस कलर तक फ्राई कर सकते हैं, आप इस स्टेज पर निकाल सकते हैं, या आप और डार्क कर सकते हैं, या आप इसको काला रंग का भी बना सकते हैं तो वो काला जामुन बन जाएगा। देखिए, अब हम इसे वार्म शुगर सिरप में, मतलब वार्म चाशनी में ऐसे डालकर छोड़ देंगे करीबन 2 से 2.5 घंटे। तो आपको इसे छोड़ना ही पड़ेगा, जितना ज़्यादा छोड़ेंगे उतना अच्छे से चाशनी अंदर तक सोख होगी। ये एकदम परफेक्ट हलवाई जैसे बनते हैं। आप इसे इस राखी पे या आप किसी भी फेस्टिवल पर इसे इस रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। देखिए कितने परफेक्ट लग रहे हैं अंदर से भी। इस रेसिपी को एक बार आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।